बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम हुकों से निकले हैं। अभी हुक्स हम पढ़ रहे थे, जो दो सीरीज के कंप्लीट दो सीरीज थी, हमने पी आर सीरीज और पी एल सीरीज पढ़ी। सिमिलरली वही हुक जो हमने पी एल और पी आर के लिए पढ़ी थी, वही हुक हम एन के बिल्कुल उसकी तरह ही है, एन की हुक है। तो वो कैसे हमने बनानी है, मैंने बड़े ब्रीफली उसको बताया है। कर्व स्ट्रोक के साथ जब एन आता है, कर्व स्ट्रोक जितनी भी कर्व की स्ट्रोक है उसके साथ एन जब ऐड करते हैं या होता है, तो हम एक अंदर की साइड पे फाइनल, अच्छा इसकी इसको वो फाइनल हुक कहता है। फाइनल से मतलब एंड पे आती है, स्टार्ट पे नहीं आती। स्टार्ट पे अगर एन आता है तो हम उसको पूरी स्ट्रोक के साथ ही लिखेंगे। अगर एंड पे आता है वो स्पेसिफिकली उसकी बात ही फाइनल हुक के तौर पे कर रहा है। कहते हैं जब एन एंड पे आता है तो हम एन को एक हुक के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कर्व स्ट्रोक के साथ इनसाइड ऑफ द कर्व स्ट्रोक हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल वर्ड एक हमारे सामने आएगा, फाइन फाइन, एफ एक कर्व स्ट्रोक है, इसके साथ एन को ऐड किया उसने। अगर इसकी स्ट्रोक नहीं चाहे तो हमारा एल्स पर रूल ये स्ट्रोक बनती है। यहाँ पे ये जो हुक बनी है, दिस इज कॉल्ड एन हुक, या हम यही ये भी कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड फाइनल एन हुक। फाइनल एन हुक, फाइनल मतलब एंड, एंड पे को आने वाली चीज। तो ये एंड पे आती है कर्व स्ट्रोक के साथ, जब आएगी तो हमेशा रिटर्न इन दी इन साइड ऑफ दी ऑल कर्व स्ट्रोक्स, ठीक है। जितनी भी कर्व स्ट्रोक है उसके साथ अंदर की साइड में बनेगी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी, जितनी भी कर्व स्ट्रोक हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड एक होता है नून, नून या आफ्टर नून, ठीक है जी, नून भी होता है। और ये अगर हम बनाएंगे तो एन के साथ ये एक स्मॉल हुक बनाएंगे, स्मॉल हुक एट द एंड ऑफ द ऑल कर्व स्ट्रोक। जितनी कर्व स्ट्रोक है उसके एंड पे अगर आती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर की साइड पे एक स्मॉल हुक बनाते हैं जो रिप्रेजेंट करती है एन को। अच्छा ये तो सिर्फ कर्व स्ट्रोक थी, कर्व जब यही स्ट्रोक स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आती है कि यही हुक स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हम बनाएंगे, तो ये भी फाइनल हुक ही होगी, एंड भी आ रही होगी। लेकिन वो कहता है कि हम इसको क्लॉकवाइज बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल पेन, क्या वर्ड है जी, पेन। तो पेन के लिए जो इसके साथ एन की हुक बनाएंगे वो क्लॉकवाइज बनाएंगे, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो क्लॉकवाइज एक फाइनल हुक बनाएंगे स्ट्रेट और स्ट्रेट स्ट्रोकों के साथ, तो वो जो होगा एन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। और वर्ड भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड है ज्वाइन, ज्वाइन ज्वाइन के साथ हम ये करेंगे, ये बार एन को रिप्रेजेंट करेगा दिस, ठीक है। और इसी तरह हमने पढ़ा था कि आर अगर एंड पे आए तो ऑलवेज रिटर्न इन डाउनवर्ड शेप। आर की दो कंस्टेंट हमने पढ़ी थी, एक अपवर्ड थी एक डाउनवर्ड थी। तो हमने पढ़ा था एक रूल कि आर जब एंड पे आता किसी वर्ड के तो रिटर्न डाउनवर्ड शेप। तो इसी उसी उसी के साथ ही पिटमैन कहता है कि आर अगरचे एंड पे आ रहा हो और उसके साथ एन आ जाए, आर एंड पे हो और उसके साथ एन आ जाए या उसके बाद में एन आ जाए तो और रिटर्न ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन, या हम कहें कि उसको वो अपवर्ड जो डायरेक्शन में हमारा अपवर्ड आर होता है वो लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्ड है रिटर्न, रिटर्न री टी और आर के साथ हम एन बना देंगे, ये हमारा रिटर्न है। मैं दोबारा बताता चलू, हमने एक रूल पढ़ा था आर के बारे में कि आर जब एंड ऑफ द कंसोनेंट होता है या एंड ऑफ द वर्ड आता है, एंड पे आ जाता है तो हम उसकी जो आर की कंसोनेंट बनाते हैं वो डाउनवर्ड शेप में बनाते हैं। बट अगर उसके बाद एन आ जाता है तो फिर हम कभी भी इसको डाउनवर्ड शेप में नहीं बनाएंगे बल्कि अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे, अपवर्ड आर यूज करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स हैं, 10-15 शॉर्ट फॉर्म्स आपके साथ इसके ऐड होती हैं,
और एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के बाद इंशाल्लाह फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने कल हाजिर होंगे। कल तक के लिए आप अल्लाह की इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।